चलिए बनाते हैं चिकन हांडी। इसके लिए पैन में, बड़े पैन में, खुले पैन में आपने सबसे पहले ऑयल डालना है। फिर इसके बाद मैंने 3 मीडियम प्याज लिए हैं, ये इसको हम ब्राउन कर लेंगे। अदरक लहसुन बाद में डालेंगे क्योंकि इसको टाइम लगेगा ब्राउन होने में। तो दूसरी तरफ मैंने पहले चिकन लेके, इसमें दो पाउंड चिकन है, इसमें 2 बड़ी करछियाँ, मैंने दही डाला है, नमक, हल्दी और तेल डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे मिनिमम आधा घंटा, और मैक्सिमम आपकी मर्जी है। इसको आधा घंटा हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। प्याज मैंने सिम पे रख दिए थे ब्राउन होने के लिए, तो थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर, ये स्टार एनीस फूल है, थोड़ी सी इलायची और अदरक लहसुन है 1 टेबलस्पून ईच। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ब्राउन होने देंगे। इसमें मैंने डाले हैं अब, तो ये मैरिनेशन में ऑयल डाला ही हुआ था, तो मैंने तो इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया। इसको हम भून लेंगे अच्छे से। तो एक करछी मैंने इसके अंदर दही डाला है, उधर से वो भून रहा है और इधर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मसाले डालेंगे, इसमें मैंने डाली डेगी मिर्च, हल्दी, नमक, ये चिकन हांडी मसाला है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे टमाटर, ये 2 बड़े टमाटर हैं, इसको मैंने मिक्सी में मैश कर लिया था अच्छे से मिक्स करके। तो दूसरी तरफ ये चिकन थोड़ा थोड़ा पक गया है, 50% पक गया है, इसका पानी भी सूखने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर ये दोनों को मिक्स कर दूंगी। जितना भी पानी बचा चिकन का उसके समेत ही डाल दो इसके अंदर। अब इसको ढक देंगे और पकने देंगे जब तक चिकन टेंडर ना हो जाए, पक ना जाए अच्छे से। अगर आपका बोनलेस है तो आप उसके हिसाब से पकाइए, मेरा बोन वाला था तो मैं उसके हिसाब से पकाऊंगी। तो बस इसको गार्निश कर दीजिए अपनी मर्जी से, धनिया से, ग्रीन चिलीज एंड जिंजर जूलियंस। एंजॉय योर डे।